खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिल्ली में अफसरों पर किसका कंट्रोल, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो आज सुनाने जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं जस्टिस सीकरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। जस्टिस सीकरी ने एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। मोहर लगेगी आज दिल्ली में अफसरों को लेकर जो खींचतान चल रही थी, आखिरकार दिल्ली के अफसरों पर कंट्रोल किसका, ये सुप्रीम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। अभी तक जो कहा गया है जस्टिस सीकरी की तरफ से उसमें ये कि हमने दोनों पक्षों को सुना है और हमने संविधान पीठ के जो फैसला था उसको भी सुना है, उसको भी पढ़ा है। जस्टिस सीकरी की तरफ से फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है और उनकी तरफ से यह बात कही गई है कि सब पक्षों को हम सुन चुके हैं और साथ ही संवैधानिक पीठ की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था वो भी हमारे सामने है, उस पर भी हमने स्टडी की है। मतलब कुल मिलाकर हर पहलू पर गौर करके ये फैसला जो सुनाया जा रहा है। आगे अपने फैसले में कह रहे हैं जस्टिस सीकरी की एग्जीक्यूटिव पावर्स दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की अलग अलग हैं, ये बात संविधान पीठ अपने फैसले में कह चुकी है। जस्टिस सीकरी कह रहे हैं कि संविधान पीठ का जो 4 जुलाई 2018 का फैसला था उसमें वो कह चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं दिल्ली सरकार की और केंद्र की दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं। इसके अलावा जस्टिस सीकरी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि GNCTD एक्ट और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का भी हम ध्यान रखेंगे। तो जस्टिस एके सीकरी जो फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण दोनों जज इस मामले में फैसला सुना रहे हैं। जस्टिस एके सीकरी फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बड़ी बात अब तक जो जस्टिस एके सीकरी की तरफ से कही गई है वो यही कि हमने संविधान पीठ के फैसले और साथ ही जो दोनों पक्ष हैं मतलब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार उनकी दलीलों को दर्ज किया है, सबको हमने सुना है, मौका सबको दिया गया है, हर रोशनी में यह फैसला तैयार किया गया है जिसे अब जस्टिस एके सीकरी सामने रख रहे हैं। आगे उनकी तरफ से कहा गया है संविधान पीठ ने कह दिया था कि दिल्ली सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां हैं केंद्र की जो शक्तियां हैं उससे अलग हैं। तो देखिए जो 4 जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी बड़े विस्तार से व्याख्या की गई थी और क्योंकि यह व्याख्या थी किसी तरीके का कोई सीधा फैसला था नहीं, इसी वजह से केंद्र सरकार अपने हिसाब से इस फैसले को परिभाषित कर रही थी, दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल जो है वो अपने हिसाब से इस फैसले को परिभाषित कर रहे थे। मोटी बात जो 4 जुलाई 2018 के फैसले में कही गई थी वो यही कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन, इन मामलों को छोड़कर चुने हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर ही एलजी को काम करना चाहिए। ये एक बड़ी मोटी बात जो निकल कर आई थी 4 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। अब देखिए जस्टिस एके सीकरी जो धीरे धीरे कर अपना फैसला पढ़ रहे हैं, आगे उनकी तरफ से कहा गया है सर्विसेज, ACB, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, लैंड सर्कल रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुद्दे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुद्दे क्या क्या हैं, ये वो बता रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो मुद्दे रखे गए हैं वो सर्विसेज है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, सर्विसेज मतलब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जिसे लेकर यह बड़ा झगड़ा आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में हुआ, आमने सामने आए दिल्ली की केजरीवाल सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, और इसमें केजरीवाल सरकार की तरफ से बार बार एलजी पर यह आरोप लगे कि एलजी जो है वो केंद्र के नुमाइंदे, केंद्र की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो अब फैसले में यह कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुद्दे रहे सर्विसेज, ACB, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, लैंड सर्कल रेट। आगे अपने फैसले को बढ़ा रहे हैं जस्टिस सीकरी, बड़े ध्यान से इस फैसले पर देशभर की निगाह लगी हुई है क्योंकि लगातार दिल्ली में किसका राज, क्यों चुनी हुई सरकार के हाथ बांध रही है केंद्र सरकार अपने हस्तक्षेप से, ये तमाम सवाल जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उठाते रहे और इन्हीं सवालों के जरिए अरविंद केजरीवाल घेराबंदी न सिर्फ करते रहे मोदी सरकार की बल्कि हमले भी बोलते रहे मोदी सरकार पर। तो आज तय हो रहा है अदालत के फैसले से कि दिल्ली पर किसका राज होगा।
खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। मैं आगे बढ़ते हुए जल्दी से आपको बता दूं कि आगे इस फैसले में कहा जा रहा है सर्विसेज पर दिल्ली में पब्लिक सर्विस कमीशन ना होने, कैडर ना होने पर दोनों जजों में मतभेद, जस्टिस अशोक भूषण अब अलग फैसला पढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, दिल्ली में क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, कैडर दिल्ली का अपना नहीं है, यूटी का कैडर होता है दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी का, अपना कैडर दिल्ली का नहीं है। इस वजह से जो दोनों जज हैं, दो जज कौन से हैं, एक तो जस्टिस AK सीकरी हैं, दूसरे जस्टिस अशोक भूषण हैं, अब दोनों जज अलग अलग फैसला पढ़ेंगे, तो इस बात को किस तरीके से समझा जाए। मतलब यहां तो दोनों जज, दो ही जज हैं और दोनों जजों में मतभेद सामने निकल कर आ रहा है, मतलब बड़ी बेंच को जाएगा, बड़ी बेंच को, मतलब आज बड़ा फैसले की उम्मीद नहीं की जाएगी। अगर तीन जजों की बेंच होती है और मेजोरिटी का फैसला होता तो वो लागू हो जाता। जी जी जी, अब चूंकि दो ही जजों की बेंच, प्रदीप जी मैं आप ही का इस पर टिप्पणी लूंगी। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक जो फैसला सामने निकल कर आ रहा है उसमें ये कि कोई क्लियर कट जजमेंट नहीं आ रहा है। अभी तक के फैसले के मुताबिक दो जज जिन्हें ये फैसला सुनाना था वो अलग अलग राय रखते हैं, दोनों जजों में मतभेद है। ऐसे में सिर्फ एबीपी न्यूज आपको इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे रहा है कि दो जज जिन्हें यह फैसला सुनाना था उन दोनों जजों में मतभेद सर्विसेज को लेकर, सर्विसेज पर ही मुख्य तौर पर आज का यह फैसला आना था। तो ऐसे में प्रदीप सिंह जी क्या माना जाए, मामला बड़ी बेंच के पास जा सकता है? अब 9 दिन चले अढ़ाई कोस, जहां से मामला शुरू हुआ था वहीं पर टिका हुआ है, क्योंकि देखिए जो फैसला, उम्मीद असली कंटेंशन जो था वो सर्विसेज को लेकर था जी। जो लड़ाई थी राजनीतिक लड़ाई में जो बदली वो सर्विसेज को लेकर थी कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। बिल्कुल 2015 मई में जो सामने निकल कर आ गया। और उस स्थिति में अभी तक जितनी जानकारी आई उससे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, क्योंकि दोनों जज इस मामले पर अलग अलग सोचते हैं। तो इस फैसले को लागू करना, मतलब दोनों पक्ष अपने पक्ष में बात मान सकते हैं, जो जज कह रहा सर्विसेज केंद्र के पास हो केंद्र कहेगा कि हमारी जीत हुई, जो जज कहेंगे कि सर्विसेज स्टेट के पास होनी चाहिए उसमें जो है राज्य सरकार कहेगी जीत गए। ये तय है कि ये मामला अब किसी बड़ी बेंच को जाएगा, वो तीन जजों की हो या संविधान पीठ बने, पांच जजों की बेंच बने, वहीं इसका फैसला होगा। इसलिए अब इस विधानसभा में कोई उम्मीद नहीं है इस मामले पर फैसला आने की। रमाना, झगड़ा तो इसी बात का था जी। झगड़ा तो इसी बात का था, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए थी। अब जिस, और ये बात सच्चाई भी है कि जब 91 के अंदर 69 अमेंडमेंट एक्ट बना था, जब ये विधानसभा बनी थी, सबको पता था कि पावर्स क्या हैं। उस वक्त से लेके आज तक दिल्ली का अपना कैडर नहीं है। यूपीएससी के जो जितने भी अफसर हैं वो केंद्र अपॉइंट करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ना कांग्रेस। मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर, सचिव स्तर के अधिकारियों पर, सचिव स्तर के अधिकारियों पर फैसला एलजी करे। ये जस्टिस सीकरी कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन पर फैसला एलजी करें, ये जस्टिस सीकरी की तरफ से इस फैसले में कहा जा रहा है। हालांकि इससे पहले ये साफ निकल कर आया कि क्योंकि दिल्ली में पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, कैडर नहीं है, इस वजह से दोनों जजों में मतभेद, और ऐसे में ये तो सचिव स्तर के अधिकारियों पर हो गया कि उस पर फैसला एलजी ले। वहीं दानिक्स, जो अधिकारी दानिक्स के अंडर आते हैं, उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों पर दिल्ली सरकार और एलजी की सहमति से फैसला हो, दानिक्स पर सरकार एलजी की सहमति से फैसला हो, सचिव स्तर के अधिकारियों पर पूरा पूरा कंट्रोल एलजी को दे दिया गया है। समस्या तो यही पोजीशन थी पहले भी, जब भी शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, या मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब भी ये स्थिति थी। नहीं, मैं आपको जरा सा रोकूंगी अमन, जो बड़ी तस्वीर यहां पर निकल कर आ रही है ना वो ये कि अभी तक का मतलब जो फैसला निकल कर आ रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए जीत जैसे तो कोई तस्वीर नहीं बन रही है ना। बिल्कुल जीत जैसी कोई तस्वीर अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए नहीं बन रही। जस्टिस AK सीकरी जिस तरीके से अपना फैसला पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया जो सचिव स्तर के अफसर हैं उनके बारे में फैसला एलजी करें, दानिक अफसरों के लिए कहा जा रहा है कि उनके बारे में सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी सहमति से फैसला करें। आइए हरीश जी। रोमाना, वही मेरा कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता। 93 सबसे विधानसभा बनी है दिल्ली की, तब से दानिक अफसर और सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं उनकी परिभाषा हुई है।
आज की पहली बार नहीं हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अपने हाथ में बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अनुशासनात्मक कार्रवाई अफसरों पर कौन करेगा, ये पावर जो है वो सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है, ये पावर राष्ट्रपति को दे दी गई है, मतलब ना दिल्ली सरकार ना एलजी। राष्ट्रपति का मतलब ही है केंद्र सरकार। राष्ट्रपति अपने आप में उस तरह से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या उसको अधिकार तो है नहीं। हाँ। वो राष्ट्रपति जो भी करेंगे केंद्र सरकार की सहमति से या उनकी अनुशंसा से करेंगे। तो अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार राष्ट्रपति को, मतलब ये तो सीधे केंद्र और एलजी की जीत हो रही है यहाँ पर। अरविंद मोहन जी, जो कंफ्यूजन था मुझे लग रहा है कोर्ट ने उसको और बढ़ा दिया है, उसको सॉलिड कर दिया है। जो अब तक ये था कि कहीं कुछ ग्रे एरिया था कुछ, उसको इन्होंने बहुत क्लियर कट दो हिस्से में बांट दिया है। और दानिश के लिए अगर राज्य सरकार को अधिकार मिल रहे हैं तो दानिश के लिए भी अभी तक ये कंफ्यूजन था, क्योंकि कई राज्यों का कैडर वो साझा कैडर है, तो कौन आज दिल्ली में है कल अंडमान पहुंच जाता है। तो अगर ये अधिकार भी राज्य सरकार को मिल रहा है तो मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एलजी की सहमति से, एलजी की सहमति से, वो भी मतलब पहले भी यही था, पहले भी यही था। करोड़ों रुपए जो दिल्ली की जनता का पैसा था वो आम आदमी पार्टी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने कोर्टों की लड़ाई में व्यर्थ कर दिया। और दूसरी राजनीति क्यों ले आए हो कि जब सीलिंग से रिलेटेड जब केस दिल्ली, जरा सा आपको रोकना चाहूंगी, देखिए सर्विसेज पर तो अभी तक आ गया, और एसीबी को लेकर बड़ा फैसला ये कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, जस्टिस सीकरी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सही, एसीबी केंद्र के अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकता। जो दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी केंद्र सरकार के अधिकारियों पर एक्शन लेने लगे तो अराजकता हो जाएगी। हर राज्य का एसीबी जो है वो केंद्र सरकार या दूसरे राज्य के लोगों पर एक्शन लेने लगेगा। तो ये जो डिवीजन है राज्यों और केंद्र के बीच में अधिकारों का, वो बड़ा साफ साफ है, उसमें संविधान में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। और वो केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से और स्पष्ट हो गया था। रुमाना मुझे लगता है, एक मिनट सर, मैं अपने दर्शकों को भी जरा बता दूं कि देखिए दिल्ली के सुप्रीम फैसले पर सबसे सटीक और सबसे सही रिपोर्टिंग आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से जिस तरीके से जस्टिस सीकरी फैसला पढ़ रहे हैं उस हिसाब से एक एक बिंदु पर आपको खबर हम दे रहे हैं। सर्विसेज को लेकर फैसला पढ़ा जा चुका है, सर्विसेज में भी यहाँ जो मेरे साथ पैनल मौजूद है और जो खबर निकल कर आ रही है वो यही कि केजरीवाल को झटका लगा है। दूसरा मामला एसीबी का, एसीबी में भी एसीबी केंद्र के अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकता, मतलब यहां पर भी झटका अरविंद केजरीवाल सरकार को लग रहा है। निदेशक स्तर की नियुक्ति सीएम कर सकते हैं, ये चीज एक निकल कर आई है। हरीश जी, मेरा यही कहना, ये चीजें कोई पहली बार नहीं हो रही है, ऑलरेडी चली आ रही है, परिपाटी 93 से चली आ रही है कि निदेशक स्तर की नियुक्तियां राज्य सरकार ही करता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो थ्योरी रही है कि सिर्फ लड़ाई करना, उससे कोई सल नहीं निकले। आज भी लगता है कि आज सर ये इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट के तहत उठाया गया था ना, वहां पर दिक्कत आ रही थी, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि 93 से जो कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है आपके मन मुताबिक चेंज नहीं कर सकते ना। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें व्याख्या क्लियर हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, बदले हैं ना 93 से, पोजीशंस तो बदले हैं ना, सिर्फ एक सर्विस उसको लेके हुआ ना, बदला है ना उसको, कह दिया एसीबी को, एसीबी को लेके कह दिया ना। पहले भी जब ये नियुक्तियां होती थी तो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक वर्किंग रिलेशनशिप के तहत ये नियुक्तियां करते थे। आज क्या स्थिति में परिवर्तन है कि अरविंद केजरीवाल जो है पब्लिक में जो लड़ाई कर रहे हैं, जो पब्लिक पोस्चरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। किस तरीके से हमने देखा कि रात को मुख्य सचिव को घर बुला के उसकी पिटाई करी जाती है, तो उसके बाद आप कहते हैं कि अफसर काम नहीं कर रहे। तो ये एक एनवायरनमेंट जो पब्लिक, जो एक वर्किंग रिलेशनशिप एनवायरनमेंट है, वो दोनों ने ही बनाने की कोशिश नहीं करी। अब जब हमने भी इसी सेटअप के तहत 98 to 2004 छह साल हमने बहुत बड़े काम करे, हमने इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स करे, हमने सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसमें भाजपा की सरकार थी, केंद्र सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहिए ना प्लीज। आशुतोष से जल्दी से एक टिप्पणी, आशुतोष अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला झटका यहाँ पर केजरीवाल सरकार पर, एक बड़ी जीत यहाँ पर हालांकि अरविंद केजरीवाल की देखने के लिए मिल रही है। मैं आ रही हूँ आपके पास आशुतोष, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है
कि दिल्ली सरकार तय कर सकती है लैंड सर्कल रेट। ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो सर्कल रेट है लैंड का वो दिल्ली सरकार तय कर सकती है। देखिए इससे पहले का फैसला जिसमें पुलिस जमीन लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ लैंड सर्कल रेट तय करने के लिए दिल्ली सरकार अधिकृत है ये कहा जा रहा है। 2007 से पहले दिल्ली में लैंड सर्कल रेट नहीं होता था, ये पॉलिसी पूरी शीला दीक्षित जी लेकर आई थी। आज भी कोई फेर बदल नहीं हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो पहले भी एग्जिस्टिंग है। अब यही मेरा कहना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आप संविधान को थोड़ी बदल दोगे रोमाना। प्रॉब्लम यही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि संविधान उनके हिसाब से लिखा जाए, वो नहीं हो सकता। संविधान में क्लियर गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल भूमि का रेट दिल्ली सरकार तय करे, तो पहले भी होता है भूमि का रेट दिल्ली तय करे, ये करने नहीं दिया जा रहा था। किसने नहीं कहा, किसने करने नहीं दिया? प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाया जा रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोसीजर जान पूछ के दरकिनार किया जा रहा है कि 70 में 67 सीटें जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि उनको दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का जिम्मा मिल गया। वो इस तरह से व्यवहार करने लगे कि मोदी को पहली हार जो मिली वो मोदी को बर्दाश्त नहीं हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो व्यवहार यहाँ करते रहे हैं वो राज्यपालों का व्यवहार नहीं है। और या पहले के लेफ्टिनेंट गवर्नर के झगड़े पहले भी होते रहे। शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए। अच्छा अच्छा डॉक्टर काम कर रहे हैं, क्लियर होता है जो काम कर नहीं पा रहे हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देना चाह रही, वरना बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर लगाते कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्लियर को छुपाने का एक बहाना है ये। मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपको जानकारी दे देते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मुद्दा है वो सीएम की तरफ से नियुक्ति की जा सकती है। सर केजरीवाल नियुक्ति कर सकते हैं। 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा था, कोई नई चीज नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें पहले कब नहीं थी, पहले भी यही थी। ये तो सर एक बहाना है जो, ये, ये, जो संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी दे दूं कि ये तो जस्टिस सीकरी जिनकी तरफ से फैसला पड़ा गया। अब जस्टिस भूषण जो है वो फैसला पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जस्टिस सीकरी के फैसले को अगर मोटे तौर पर हम लोग देखें तो तीन ऐसे मुद्दे जो फिलहाल केंद्र सरकार के पक्ष में यहाँ पर उनका फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है, और तीन फैसलों में उन्होंने दिल्ली सरकार केजरीवाल को यहाँ पर अधिकार दिए हैं, जिसमें निदेशक की नियुक्ति का मामला है, लैंड सर्कल रेट तय करने का मामला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का मामला है। ये वो तमाम मुद्दे है ना सर, ये अदालत में गए थे। केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें ये करने नहीं दिया जा रहा, इसी वजह से तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा लेकिन वो रेखांकित नहीं हुआ था और इसी वजह से तो दिक्कत आ रही थी ना। बिल्कुल नहीं, जस्टिस अशोक भूषण फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जस्टिस अशोक भूषण ने, और जस्टिस अशोक भूषण ये कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला है वो संवैधानिक पीठ ने जिस तरीके का फैसला दिया उसकी रोशनी में होना चाहिए, संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर ही फैसला होना चाहिए। संविधान पीठ ने दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र कहा था। आगे जस्टिस भूषण कह रहे हैं कि संविधान पीठ ने दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र कहा था। जस्टिस अशोक भूषण उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। अब तक जस्टिस एके सीकरी ने अपना पूरा फैसला पढ़ा है, अब जस्टिस भूषण अपना फैसला पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मेरी राय है, जो हमारा फैसला है वो संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर होना चाहिए, और संविधान पीठ ने दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र कहा था, उसकी तरफ से साफ कहा गया था कि पुलिस जमीन लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले हैं वो एलजी के अधिकार में आते हैं और बाकी जो मामले हैं वो दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर 4 जुलाई 2018 का संविधान पीठ का फैसला जो वाकई में नजीर आज के इस फैसले के लिए बन रहा है, और जस्टिस भूषण उसी बात पर आगे कहते हुए कि सर्विस पर मैं सहमत नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सर्विस
पर मैं सहमत नहीं। देखिए कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सर्विस के मामले पर, सर्विस मतलब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर जो बड़ा मुद्दा बना था तकरार का दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच, उस मामले पर दोनों जो जज हैं उनकी राय अलग अलग है। एक तरफ जस्टिस सीकरी, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो एलजी के हाथ में है, एलजी उन पर फैसले लेंगे। और दैनिक से अधिकारियों के बारे में कहा गया कि दिल्ली सरकार और एलजी सहमति से फैसले लेंगे। वहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया कि इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है, मतलब सीधे केंद्र को उसके लिए अधिकृत किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, जस्टिस भूषण की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर कार्यकारी शक्ति नहीं है। यह बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा भी इस पर कानून नहीं बना सकती, समझिए इस फैसले को, यह बड़ा फैसला है। और अब तो यह बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो लगातार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये कहते रहे कि ये अधिकार तो दिल्ली सरकार का है, ये हक तो हमारा है। नहीं, सर्विसेज का अधिकार, सर्विसेज का हक दिल्ली सरकार के पास नहीं, एलजी के पास ही है, यही कह रहा है प्रदीप जी। फैसला अरविंद केजरीवाल पहले दिन से इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित राज्य है, इसकी विधानसभा है, बस इतना फर्क है दूसरे यूनियन टेरिटरी से। दूसरी बात जो अब जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से लग रही है कि जो कंसेशन सीकरी ने दिया था, मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगी, जस्टिस भूषण की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है, वो कह रहे हैं मैं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत हूँ, वो ये कह रहे हैं मैं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत हूँ। हाई कोर्ट जिसकी तरफ से कहा था कि एड एंड एडवाइस सीएम की वो बाध्य नहीं है एलजी पर, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, और आज जस्टिस भूषण ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत हूं। हालांकि वही हुआ है जो प्रदीप जी आप पहले कह रहे थे, जो यहां पर निकल कर आ रहा था कि मामला बड़ी बेंच के पास चला गया है, 3 जजों की बेंच के पास पहुंचा है ये मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से मैं सहमत, ये जस्टिस भूषण कह रहे हैं, जस्टिस सीकरी जिन्होंने अपना फैसला पढ़ा, और क्योंकि आम सहमति नहीं बनी सर्विसेज को लेकर, खासतौर से दोनों जजों में आम सहमति नहीं थी, और इसी वजह से अब बड़ी बेंच के पास ये फैसला भेजा गया है, 3 जजों की बेंच के पास जाएगा मामला। मतलब आज फैसला नहीं, दिल्ली पर किसका राज, दिल्ली पर किसकी हुकूमत, किसका हुक्म चलेगा, झगड़ा बरकरार, अभी भी स्थिति वही जो पहले थी, आमने सामने केंद्र और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो बात कहते रहे हैं उस पर सहमति नहीं बनी है दोनों जजों में, और कुल मिलाकर ये फैसला अब 3 जजों की बेंच के पास जाएगा। एक सर्विसेज का केस जो है वो बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। एक सहमति का स्वर उभरता है, वो ये केंद्र के पास रहेगी। जस्टिस सीकरी ने उसमें कुछ छूट दी है कि निदेशक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति जो है चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, जस्टिस भूषण कह रहे हैं कि वो भी नहीं कर सकते। रोमाना जी देखिए, अगर आप 2018 जुलाई 2018 का भी जो संवैधानिक पीठ का फैसला था उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी रहेगी। उससे पहले 7 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के क्लियर किया कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल को इस पे ये जो बार बार जो एक संघर्ष छेड़ देते हैं कोर्ट जाके, ये बंद करना चाहिए और एक काम करने की स्थिति में आना चाहिए। मामला जाना है, मैं जल्दी से पूरी खबर एक बार फिर से बता दूं, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज नहीं सुलझा, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का ये झगड़ा, ऊपरी बेंच 3 जजों की बेंच को गया दिल्ली का झगड़ा, जहां खासतौर से सर्विसेज को लेकर 2 जज जो फैसला सुना रहे थे उनमें मतभेद, जिसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली पर किसका राज, झगड़ा बरकरार। दोनों पक्ष अभी भी अपनी बात को दोहराते रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं हुआ है, मामला जो है वो 3 जजों की बेंच के पास पहुंच गया है। मतलब अभी तक की स्थिति है कि दिल्ली में किसका राज, ये तस्वीर साफ नहीं, और ना केजरीवाल हारे ना एलजी जीते, आज के फैसले के बाद ये इस वक्त की सर्विसेज। मैम आपका फ्रेम काफी दूर लगा, उसका कारण ये है, सुप्रीम कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग
केंद्र सरकार करेगी, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इशू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा केंद्र सरकार और एलजी के बीच में, अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। टोटल छह इश्यूज थे, छह इश्यूज में चार इश्यूज पे केंद्र सरकार रहेगा कायम, दो इश्यूज दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी जो जमीन का रेट जमीन का दाम ये दिल्ली गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन बाद में पूरी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई है, इसका मतलब यह है कि जो सीनियर जज की ओपिनियन थी कि ग्रेड वन ग्रेड टू केंद्र सरकार के पास रहेगा, ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो प्रिवेल करती है। मैं भी सीधे रुक करूंगी, हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल है। निपुण बताइए अभी हुआ क्या, क्या तीन जजों की बेंच के पास ये फैसला जाएगा, या फिर जिस तरीके से वकील कह रहे हैं कि जो सीनियर जज की फैसला था, राय था, उसी के साथ इस पर मुहर लग गई है? नहीं, मुझे लगता है कि वकील साहब पूरा फैसला सुने बिना बाहर आ गए हैं। ये मामला तीन जजों की बेंच को जाएगा और खासतौर पे जस्टिस ए के सिकरी ने जब उनसे दरख्वास्त की गई कि अब होगा क्या, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम रेफर करेंगे बड़ी बेंच को और उन्होंने बाकायदा इसको दर्ज कराया है। तो पहली बात कि सर्विसेज का जो मुद्दा है वो ले देकर जहां था वही रह गया, क्योंकि दोनों जजों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। जो वरिष्ठ जज थे जस्टिस सिकरी, उनको लगता था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारी हैं वो एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उनसे नीचे के जो भी अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार कर सकती है उनका ट्रांसफर, और नीचे के अधिकारियों के लिए भी एक सर्विस बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी सिफारिश पर ट्रांसफर और बाकी चीजें होंगी। लेकिन चूंकि दूसरे जज जस्टिस अशोक भूषण बिल्कुल भी सहमत नहीं थे इस फैसले से, और उनका ये कहना था कि हाईकोर्ट का फैसला सही था, दिल्ली सरकार को सर्विसेज के मामले में कार्यकारी शक्ति नहीं है क्योंकि दिल्ली विधानसभा इन पर नियम नहीं बना सकती। ऐसे में सर्विसेज का मैटर जहां था वही रह गया, एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी दिल्ली सरकार को राहत नहीं मिल पाई है और वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर एक्शन नहीं ले पाएगा दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो। नहीं तो निपुण, ये जो अलग अलग मुद्दे थे और ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ मुद्दों पर तो जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे वो नहीं हुआ है, कुछ मुद्दे उनके पक्ष में गए, तो कुल मिलाकर स्कोर की अगर बात की जाए, ये मुद्दे सर्विसेज, एसीबी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, लैंड सर्कल रेट, ये मुद्दे थे। इनमें से सीधे तौर पर सर्विसेज में केजरीवाल शून्य, उनके पक्ष में नहीं गया मामला, एसीबी केजरीवाल के पक्ष में नहीं गया। बिल्कुल, एसीबी उनके पक्ष में नहीं गया है और सर्विसेज पर जो है स्थिति वही रह गई जहां पर की संविधान पीठ के फैसले की बात भी थी, यानी ये स्पष्टता नहीं है कि कौन करेगा, चूंकि अभी तक एलजी ही कर रहे हैं 2015 मई में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से, ऐसे में फिलहाल वही करते रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है, विरोधाभास है दोनों जजों में, अब वो नई बेंच इसका निर्णय लेगी। तो ऐसे में एलजी कर रहे थे, एलजी ही करते रहेंगे, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि फिलहाल तो शून्य है, आगे पता नहीं क्या मिले दिल्ली सरकार को। दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद का विषय था, एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली का है वो क्या केंद्र के कर्मचारियों पर एक्शन ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है केंद्र के मंत्रियों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कतई नहीं, एसीबी दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आता है, वो केंद्र के दायरे आता है और केंद्र के कर्मचारियों पर एक्शन भी नहीं ले सकता है। छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जैसे कि बिजली का मसला है कि दिल्ली के मैं बिजली के मसले पर आऊंगी, मैं बिजली के मसले पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, और मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पर भी आऊं। आपको बता दूं कि देखिए, आपका चैनल एबीपी न्यूज, हम कभी हड़बड़ाहट में और गलत खबर आप तक नहीं पहुंचाते, हम सटीक खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने
दिल्ली के सुप्रीम फैसले पर सबसे सटीक सही रिपोर्टिंग दिखाई है। हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया किस तरीके से फैसला आगे बढ़ा और हम अब आपको बता रहे हैं कि ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। तीन जजों की बेंच के पास ये मामला पहुंच गया है। हां, सर्विसेज को लेकर जो चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल वो नहीं हुआ क्योंकि सर्विसेज के मुद्दे पर दोनों जजों की राय बटी हुई, सहमति नहीं बन पाई। एसीबी के मामले में साफ तौर पर जज साहब की तरफ से कह दिया गया केंद्र सरकार के अधिकारियों पर एसीबी नहीं कर सकती कार्रवाई। आती हूं मैं आगे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, यह भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। निपुण सहगल, जी बिल्कुल, कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि पहले जो विवाद हुए हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से जांच के लिए आयोगों का गठन कर दिया, ट्रांसपोर्ट मामला हो या दूसरे मामले हो, और एलजी ने उसे रोका ये कहते हुए कि आप नहीं कर सकते, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जो फैसला था इस मामले में उसको बरकरार रखा है, यानी दिल्ली सरकार अपनी तरफ से किसी जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती है। जी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म का मामला, लैंड सर्कल रेट का मामला, इस पर जरूर कुछ राहत केजरीवाल को मिली है क्योंकि यहां कुछ शक्तियां कही गई हैं कि हाँ ये दिल्ली सरकार कर सकती है। निपुण सहगल, जी बिल्कुल, देखिए जो बिजली की जो विद्युत जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बीएसईएस और टाटा जो दिल्ली में काम करते हैं उन पर भी नियंत्रण को लेकर रसाकशी चल रही थी और दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कुछ निदेशक नियुक्त कर दिए थे वहां पर, जिसको कि एलजी ने रोक दिया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जो बिजली कंपनियां हैं अगर वो बिजली काटती हैं उस दौरान के लिए वो मुआवजा देना पड़ेगा उनको, उपभोक्ता को। तो ये सारी चीजें जो है पावर पर, यानी कि सत्ता वाला पावर नहीं बिजली वाले पावर पर दिल्ली सरकार को अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जो निदेशक नियुक्त किए थे वो मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। हाउएवर व्हाइल डिसाइडिंग इंडिविजुअल इश्यूज, सिंस आई हैव नॉट रियली बीन प्रिवी ऑफ एंड आई हैवंट रेड द फुल टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट, सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ अ स्टेट वेयर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैव बीन अपहेल्ड। हाउएवर the issues being dealt with, where the constitutional, just for example, the constitutional bench very clearly said that it's only 1, 2 and 18 entries in the state list which actually fall within the domain of the central government. But the honorable two judges have varied in their decision, one saying that the services though lies with within the domain of the Delhi government, but officers beyond a certain level will still be continue to be appointed and transferred and their ACRs and other things will be written by the central government. However, below a certain level will be by the state government, and in that also they have said that certain committees need to be constituted. So you are giving services to the Delhi government in one hand while taking it away on the other. As far as the other honorable judge is concerned, Honorable Justice Bhushan, he has differed with the decision of Justice Sikri, saying that services does not at all lie within the domain, even though it is entry 41 of the state list, which is not 1, 2 and 18, which falls in the reserved category. Despite that, for reasons mentioned therein in the judgment, he has differed and said that this lies with the central government. So therefore, there's a difference of opinion. However, the appeal was being disposed of. So we have mentioned before the court, while the judgment, after the judgment was pronounced, that it can't be disposed of since there are two judges and there is a difference of opinion in the two judgments. It needs to be referred to a larger bench. So the honorable bench has agreed with us and has now ordered that the matter has been referred to the honorable CJI for a larger bench to be constituted on this issue of services. As regards the other issues of ACB, the ACB has been the notification of the central government has been upheld. The judgment of the honorable high court has been in that sense upheld, and ACB has been said to be within the domain of the central government. A couple of things like the appointment of special public prosecutors and government in the context of the circle rates and that has been held to be the appropriate government has been held to be the Delhi government. In the case of commission of inquiries, again the appropriate government has been held to be the central government. So the other important aspect where the constitutional bench very clearly mandated
that the state government will be the once taken a decision, will implement its decision. And the LG, though, can differ, but the communication only needs to be made to the Honorable LG. In that also, I'll have to read the full text. There seems to be some confusion there as well. So all in all, you know, it's a disappointing day, not for the Delhi government. Delhi government is only representing the Delhi citizens. It's a day when, based on the constitutional bench judgment, I think every single citizen of Delhi was wanting that there should be clarity one way or the other. But once again, you know, it's been left in a limbo. And, you know, we will continue to fight the legal battle. I'm sure the Delhi government will continue to fight its own battle. Unfortunately, the people who are going to be the ones who are going to be shortchanged in this entire process. Sir, ये बताया जा रहा है कि ये दिल्ली सरकार के लिए फिलहाल झटका ये फैसला ये साफ कर दीजिए पहला दूसरा दिल्ली सरकार के पास क्या क्या पावर फिलहाल दिया गया है जिस पर सबसे ज्यादा मतभेद था वो सर्विसेज वो फिलहाल लार्जर बेंच को भेज दिया गया है इस पर एक क्लियर कर दीजिए देखिए मैं नहीं मानता कि दिल्ली सरकार को एक धक्का है मैं मानता हूं ये दिल्ली के लोगों को एक धक्का है दिल्ली के लोग पिछले चार साल से मान रहे हैं कि क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और चार साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता जिसमें एक आज की जजमेंट अभी मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन पढ़ने के बाद मैं अपनी पूरी टिप्पणी दे सकता हूं बट प्राइमा फेसी जो मुझे समझ आ रहा है एक खिचड़ी है जो बन चुकी है कोई स्पष्ट तौर पे पता नहीं एक माननीय जज कह रहे हैं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है लेकिन उसमें भी एक हाथ से दिल्ली सरकार को देकर दूसरी हाथ से दिल्ली सरकार से ले ली गई क्योंकि सर्टन सेक्रेटरी एंड अबव जो हैं पोस्ट वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं दूसरे माननीय जज हैं वो कह रहे हैं नहीं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दोनों ही माननीय जज जो हैं वो पांच बेंच की जो पांच जजेस की बेंच थी उसमें ये माननीय जज भी उस बेंच के सदस्य थे वहां पर तीनों व्यूज में ये बड़े स्पष्ट तौर पे है कि जो सर्विसेज सिर्फ 1, 2 और 18 जो एंट्रीज हैं पुलिस लैंड और पब्लिक ऑर्डर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं बाकी सारी की सारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं और सर्विसेज क्योंकि एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की तो वो भी दिल्ली सरकार के पास है सो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ सकता है और क्यों आया है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा लेकिन हमने कोर्ट को ये कहा क्योंकि वो हमारी जो अपील्स हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे जबकि स्पष्ट तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था दो जजेस का उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने ये अब निर्णय दिया है कि सर्विसेज का जो इशू है वो ऑनरेबल CJI जो है उनको रेफर किया गया है एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि चार साल से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई अभी जारी है सर्कल रेट को लेकर जो विवाद था सर्कल रेट दिल्ली सरकार को दे दिया है लेकिन कहा है विवाद अगर होगा तो आप प्रेसिडेंट के पास जाएं तो यहां भी फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट ने देखिए उसमें कोई दो राय नहीं थी कि फाइनल जो कॉल है वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन LG और स्टेट का होगा कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा लेड बाय द चीफ मिनिस्टर और LG का तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा लेकिन जो बहुत ही अहम बात वो ये है कि हर कोई डिसीजन जो अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करके फाइलें रोक दी जाती थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी कहा है और आज की डिवीजन बेंच ने भी यही कहा है कि हर डिसीजन पे आप अपनी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते वही जो अहम मुद्दे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ऑलमोस्ट ऑफ सच इम्पोर्टेंस जिससे गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो हिल सकता है उन्हीं मुद्दों को आप भेजेंगे और जो प्रेसिडेंट का ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पे पहुंची थी दिल्ली सरकार को क्लैरिटी आपको मिली है सर आप तो खिचड़ी फैसला बता रहे हैं देखिए क्लैरिटी तो इसमें मुझे ज्यादा दिख नहीं रही सर्विसेज में हम दोबारा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे सिर्फ जहां तक ACB है वहां एक जो क्लैरिटी है वो आई है बाकी सब जगह कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को माना गया है कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को माना गया है तो जैसे मैंने कहा एक खिचड़ी तरीके का फैसला लग रहा है लेकिन जब पढ़ेंगे और पूरा उसको समझेंगे उसके बाद ही एक डिटेल टिप्पणी मैं आपको दे पाऊंगा तो सुन रहे थे आप राहुल मेहरा को आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए वो मीडिया के सामने कह रहे हैं हमने चार साल से लंबी लड़ाई लड़ी
और आज दिल्ली की जनता निराश है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के लिए वो इसे झगड़ा नहीं मान रहे, लेकिन इतना तो साफ है कि आज दिल्ली सरकार की जीत नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। फिलहाल सर्विसेज का मामला, जिसे जोर शोर से दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया था, उस पर दो जजों की राय अलग अलग, दो जज ही इस मामले में फैसला सुना रहे थे। सर्विसेज मतलब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। सीधे रुक करते हैं, निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, मोटे तौर पर सर्विसेज के मुद्दे पर ही दोनों जजों की राय बटी हुई थी, ऐसे में क्या माना जाए, बड़ी बेंच के पास जब यह मामला जाएगा तो सिर्फ सर्विसेज के मुद्दे पर, बाकी केस में फैसला सामने आ चुका है? जी बिल्कुल, बाकी तो सारा फैसला स्पष्ट है क्योंकि उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। अब दिल्ली सरकार उसमें भी कोई असंतोष जताते हुए कोई अपील करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो सर्विसेज का मामला है वो फंस गया है क्योंकि एक जज को लगता है कि सर्विसेज पर कुछ अधिकार दिल्ली सरकार को भी है, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को उन्होंने केंद्र सरकार के पास ही माना है, उससे नीचे के जो अधिकारी हैं या जो दैनिक स्केडर के जो अधिकारी हैं उनको माना है कि दिल्ली सरकार उनका कर सकती है। एलजी की सहमति वहां भी लेनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं होगा कि दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र उसमें बिल्कुल नहीं है। यानी सर्विसेज कुछ हद तक दिया और उससे जो ऊपर के जो अधिकारी हैं वो नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे जज का ये मानना है कि सर्विसेज पे दिल्ली का कोई अधिकार है ही नहीं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र की तरफ से जो अधिकारी यहां पर दिए जाते हैं आईएएस या दानिक्स के अधिकारी, वो केंद्र सरकार ही उनका एसीआर भी मेंटेन करेगी और केंद्र सरकार ही उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग, केंद्र सरकार का मतलब यहां पर एलजी है क्योंकि एलजी केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में ये बात फंस गई है। और यही कहा जाएगा कि दिल्ली सरकार के लिए आज वही बात हुई कि 9 दिन चले ढाई कोस ही चले हैं, अगर 3 जजों से की बेंच से कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाएगा आगे चल के तो हो सकता है 250 कोस हो जाए, लेकिन फिलहाल ये 250 कोस का सफर है। चलिए दर्शकों की आसानी के लिए निपुण सहगल, कुल मिलाकर अब ये समझा दीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से ये जो फैसला आया है, बाकी तो फैसला पूरा आ ही गया ना, सर्विसेज अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्योंकि जजों की राय बटी हुई थी वो अब बड़ी बेंच के पास जाएगा, तो अभी तक का ये फैसला दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की इस लड़ाई में किसके लिए क्या? जी बिल्कुल, मैं फिर से दोहराऊंगा कि 9 दिन चल के 250 कोस दिल्ली सरकार पहुंच पाई है क्योंकि उसको आज क्या मिला, उसको आज मिला कि जो बिजली वितरण कंपनियां दिल्ली की हैं वहां पर आप निदेशक अपने बिठा सकते हैं और उनके लिए नियम कायदे आप बना सकते हैं क्योंकि दिल्ली में वितरण जो बिजली का है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है। जमीन की कीमत आप तय कर सकते हैं लेकिन एलजी की सहमति उस पर होगी, यानी कि और कोई अगर मुकदमा चल रहा है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष सरकारी वकील, वो आप नियुक्त कर सकते हैं। यही चीजें दिल्ली सरकार को मिली हैं। जो विवाद के विषय सबसे बड़े थे यानी कि सर्विसेज, उस पर कुछ भी नहीं फैसला आया है, दोनों जजों का अलग अलग फैसला है। ऐसे में एलजी अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि शायद सर्विसेज से भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने सत्ता में आते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए थे, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नहीं, केंद्र सरकार भले दिल्ली में काम करती है लेकिन दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो कार्रवाई नहीं करेगा केंद्र के कर्मचारियों के ऊपर। और दूसरी बात, एंटी करप्शन ब्यूरो वैसे भी दिल्ली सरकार के तहत नहीं है, वो एलजी के तहत है। यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सर्विसेज पे दिल्ली सरकार को आज कुछ नहीं मिला है जी। बाकी चीजें जो मिली हैं वो शायद उनकी लड़ाई उतनी ज्यादा थी भी नहीं। बिल्कुल, जिस बात के लिए दिल्ली सरकार लड़ रही थी, जिस बात के लिए केजरीवाल लड़े, उसमें केजरीवाल को जीत नहीं मिली। कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। हालांकि सर्विसेज अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, उसमें भी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऊपर के अधिकारी हैं उस पर किसी तरीके की कोई असहमति नहीं है, सिर्फ नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें लेकर असहमति, और इस मामले पर यह मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। तो बड़ी तस्वीर यह कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज लगा है बड़ा झटका। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।